हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th में साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, सो हम लोग जो है न्यूट्रिशन को समझने से पहले न्यूट्रिशन किस तरह का प्रोसेस है, ठीक है, न्यूट्रिशन का क्या डेफिनेशन होता है, इसको जानने से पहले हम लोग जो है फूड के बारे में जानेंगे। ठीक है, फूड क्या होता है? सो फूड इज द बेसिक नीड, फूड इज द इम्पोर्टेंट नीड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फूड जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सभी के लिए क्या होता है, जो फूड जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट नीड होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये फूड जो है उनके बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सो इस तरह से फूड से जो है हमें एनर्जी भी मिलती है, हमारी बॉडी जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एक्टिविटीज करती है वो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी करती है, और वो एनर्जी किससे मिलती है? हमें फूड से मिलती है। ठीक है, अब हम लोग स्टूडेंट्स जो है देखेंगे कि फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फूड में क्या क्या पाया जाता है? तो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और यही एक्चुअली में यही जो होते हैं हमारी बॉडी और लिविंग अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ठीक है, उनके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यही जो है आपके जो है कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, इसी से जो है क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो इस तरह से जो ये फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो अब हम लोग जो है स्टूडेंट्स आते हैं अपने इस चैप्टर के टॉपिक पे जिसका नाम है न्यूट्रिशन। क्या नाम है? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द फूड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए जो है जो एनर्जी होती है, ठीक है, फूड से जब हम यूटिलाइज कर लेते हैं, फूड से जब हम गेन कर लेते हैं, तब हम लोग जो है इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, इस तरह से सिंपल वे में देखा जाए तो फूड को लेना, फूड से एनर्जी बना लेना, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है देखते हैं कि फूड न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इस तरह से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑटोट्रॉपिक का डेफिनेशन। ठीक है, सो व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल्स देमसेल्व्स, ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, तब हम लोग जो है इस तरह का न्यूट्रिशन जो है क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, कौन ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो खुद ही फूड बनाता है। ठीक है, एग्जैक्ट, या ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, कौन बनाता है खुद से फूड? ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जो है उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन हुआ? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ। ठीक है, और इस तरह हम लोग ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? ऑटोट्रॉप्स। इस तरह से हम लोगों का ग्रीन प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स भी कहा जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी को, ठीक है, फूड को बना रहे हैं, खुद भी यूटिलाइज करते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं जो प्लांट से फूड को लेते हैं, ठीक है, इस तरह से दूसरों को भी जो है ये फूड को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब ये आपके ऑटोट्रॉप्स भी हो गए, ये आपके प्रोड्यूसर्स भी हो गए ग्रीन प्लांट। ठीक है, अब ये किस तरह से, किस प्रोसेस की मदद से जो है ये अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करते हैं? अपना फूड खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरह से जो है खुद से फूड बना लेते हैं। स्टूडेंट जो प्लांट्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? ग्रीन लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन लीव्स होते हैं, इस तरह से। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के लीव्स आप लोग देखे होंगे प्लांट्स में, तो ये लीव्स जो होते हैं ये क्या है? ग्रीन है। क्यों है? क्योंकि ये लीव्स जो होते हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से जो है जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो लाइट को, सनलाइट को क्या करते हैं?
ट्रैप करते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जब सनलाइट को ये ट्रैप करेंगे तो ये क्या होगा, ये एनर्जी को जब गेन करेंगे, ठीक है, सोलर एनर्जी को, देन उसकी मदद से क्या करते हैं कि वो CO2 और वाटर को जो है, ठीक है, CO2 और वाटर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फूड में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक फूड में, और साथ में एनर्जी, सॉरी साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में हो जाता है, ठीक है। सो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की मदद से वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को भी देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल्स में, किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका फूड में, ठीक है। क्या नाम है इस फूड का, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, और साथ में क्या मिली, ठीक है, क्या रिलीज हुआ, साथ में ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग जो है थोड़ा सा ओवरव्यू डालते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो है आपके जो है लीव्स जो होते हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरह से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। सो स्टूडेंट जो है आप लीव्स देख रहे होंगे, ये लीव के जो है दो तरफ जो है क्या है आपको सर्फेस दिखाई दे रहे हैं, ये अपर सर्फेस है और ये लोअर सर्फेस है, ठीक है। सो स्टूडेंट इनके दोनों सर्फेसिस पे क्या पाए जाते हैं, स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा। इधर आप देख सकते हो ये लीफ है, ठीक है, और इस लीफ पे देख रहे हो आप अपर सर्फेस पे ढेर सारे पोर्स हैं, ये पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, ये स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा की मदद से ये क्या करते हैं कि एटमोस्फेरिक CO2 को ये क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट ये स्टोमेटा का ये पोर है, स्टोमेटल पोर, और इसके पास ये दो गॉड सेल्स हैं, ठीक है। ये गॉड सेल्स में आप देख रहे हो कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर ये जो आपके जो है जो ढेर सारे नंबर ऑफ लेयर्स जो पाए जा रहे हैं सेल्स के, उनको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये स्टोमेटल पोर हो गया, ये गॉड सेल्स हो गए, ठीक है, और ये क्या हो गए, ये हो गए आपके जो है सब्सिडरी सेल्स। तो ये रहा स्टोमेटा, ठीक है, और ये बहुत ही माइनट माइनट पोर के रूप में जो होते हैं वो आपके जो है लीफ पे पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से जो है आपका जो है लीफ क्या करता है, स्टोमेटा की मदद से जो है CO2 को, एटमोस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे ये वाटर को कैसे रिसीव करता है। तो स्टूडेंट जितने भी सारे प्लांट्स होते हैं वो सभी रूट्स की मदद से, ठीक है, किसकी मदद से, रूट्स की मदद से जो है ये सॉयल वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है फोटोसिंथेसिस में आपका रॉ मटेरियल CO2 और वाटर जो है प्लांट्स को मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग जो है बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिस भी एनिमल्स में होगा, जिस भी ऑर्गेनिजम्स में होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग डेफिनेशन देख सकते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म कांट मेक देयर फूड मटेरियल्स ओके देमसेल्व्स, सो दे आर हेटरोट्रॉप्स एंड देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स खुद से फूड नहीं बना लेते हैं, ठीक है, जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो क्या कहलाते हैं आपके, वो कहलाते हैं हेटरोट्रॉप्स, और उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। इस तरह से जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी, ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं आपके, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, क्योंकि ये फूड खुद से नहीं बनाते, ये प्लांट से फूड को लेते हैं, ठीक है, और फूड को जो है केवल खाने योग्य बनाते हैं, ठीक है, उसको पकाते हैं, उबालते हैं और फिर उसको खाते हैं, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है हेटरोट्रॉप देखे, जिसमें जो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक है। ये हेटरोट्रॉप जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पैरासाइट्स, सेप्रोफाइट्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट्स और सेप्रोफाइट्स दोनों में क्या डिफरेंस है, तो पैरासाइट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, एक लिविंग किसी दूसरे लिविंग से फूड ले रहा है, ठीक है, बट सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स में क्या होता है कि एक लिविंग किसी दूसरे, ठीक है,
नॉन लिविंग से फूड लेता है, वो नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सड़ी गली चीज़ें हो सकती हैं, सड़ी गले जो है फ्रूट्स हो सकते हैं, सब्जी हो सकती है, या जो है डेड बॉडीज हो सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स के, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के। इस तरह से जो है सड़ी गली चीज़ों से भोजन लेते हैं आपके जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब हम लोग उनको क्या बोलते हैं, सेफ्रोट्रॉप्स। पैरासाइट्स में क्या होता है, एक लिविंग किसी दूसरे लिविंग से फूड ले रहा है, जिस लिविंग से फूड लेगा उसको होस्ट बोलते हैं। और सेफ्रोट्रॉप्स में क्या होते हैं कि ये डेड डिकेइंग मटेरियल से, सड़ी गली चीज़ों से जो है भोजन लेते हैं, ठीक है। सो पैरासाइट्स के एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कस्क्यूटा है, पीचर प्लांट है, ठीक है, और इस तरह से ये प्लाज्मोडियम भी है। तो स्टूडेंट्स आप लोग देखे होंगे कस्क्यूटा को, ये क्या होती है, लता की तरह होती है, ठीक है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो होती है लिपटी होती है, ठीक है, और ये टोटल पैरासाइट है, ये अपना फूड खुद, ठीक है, नहीं बना रही है, ठीक है, ये क्या करती है कि जिस प्लांट पे लिपटी होगी, ठीक है, उसी प्लांट से एनर्जी को जो है ले लेती है, उसी से जो है उसके फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये आपका पीचर प्लांट है स्टूडेंट, ये केवल पार्शियल जो है आपका क्या है, ये आपका पार्शियल पैरासाइट होता है, ठीक है, ये केवल जो है अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करता है, किस लिए यूटिलाइज करता है, उससे जो है नाइट्रोजनस सबस्टेंस को गेन करने के लिए, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम क्या है आप लोग जानते हो, प्लाज्मोडियम मैलेरियल पैरासाइट होता है, ये हमारे जो है ब्लड में होता है, हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं सेप्रोट्रॉप्स के एग्जांपल्स, सेप्रोट्रॉप्स के एग्जांपल्स में क्या आते हैं, मोस्टली फंगी आते हैं, कौन आता है, फंगी, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल है राइजोपस, जिसको आप ब्रेड मोल्ड बोलते हो, ठीक है, हम लोगों का जो रोटी होता है, ब्रेड होता है, जब नमी हो जाता है उस पर दहिया जम जाता है तब उस पर, ठीक है, उस दहिया ही जो है वो क्या होता है, राइजोपस होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मशरूम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, फंगी की कैटेगरीज हैं। मोस्टली जो फंगी होते हैं वही सेफ्रोट्रॉप्स होते हैं, वही डेड डिकिंग मटेरियल से भोजन को लेते हैं, सड़ी गली चीज़ों पे उगते हैं और उससे भोजन को लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है लास्ट में जो है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं, व्हाट इज द सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ओके। सो स्टूडेंट जब दो अलग अलग स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, तो इस तरह उनका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या होता है, सिम्बायोसिस, क्या होता है, सिम्बायोसिस, ठीक है, और उनका न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं लाइकेन्स का, ठीक है, लाइकेन्स, लाइकेन्स में स्टूडेंट दो अलग अलग स्पीसीज हैं, एक क्लोरोफिलस प्लांट्स है एल्गी, और दूसरा क्या है नॉन क्लोरोफिलस आपका प्लांट्स हो गया फंगी, ठीक है। इस तरह से ये दोनों के दोनों जो है आपके जो है क्या है अलग अलग स्पीसीज है, एक साथ रहते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन्स बोलते हैं, ठीक है। एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, फंगी क्या है, सेप्रोट्रॉप्स है, ठीक है। तो इस तरह से फंगी क्या करता है कि वाटर को, फूड को, सॉरी वाटर को, मिनरल्स को क्या करता है कि सर्च करके लाता है, ठीक है, और वो किसको प्रोवाइड कराता है, एल्गी को, ठीक है। और एल्गी क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिलस होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस के हेल्प से क्या करता है, फूड को बना देता है, ठीक है, और फूड को बना करके खुद यूटिलाइज करता है और फंगी को भी देता है, ठीक है। इस तरह आपस में इनका जो न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाएगा, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, और रिलेशनशिप क्या है, सिम्बायोसिस, ओके स्टूडेंट। सो इस वीडियो में हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर के बारे में, फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को समझे, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।